सिंगरौली जिले में ग्रामवासियों का एक पक्ष सुलियारी कोल माइंस के समर्थन में उतर आया है, तो वहीं दूसरा पक्ष अब भी इसके खिलाफ हड़ताल पर है। सिंगरौली जिले का सुलियारी कोल ब्लॉक एपीएमडीसी कंपनी को मिला है, जिसके अधिग्रहण में कई गांव विस्थापित हुए हैं। ऐसे में इसके खिलाफ हड़तालियों का एक समूह जहां हड़ताल पर आमादा है, तो वहीं दूसरा समूह इसी बंद काम को फिर से शुरू कराने के लिए अपना ज्ञापन लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा और बंद काम को शुरू करने की मांग की। मामले को लेकर एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि कुछ नेताओं का धरना बिना अनुमति हो रहा है, उन्होंने परिवहन रोक दिया है, जिसके संबंध में प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा। साथ ही विस्थापितों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का स्थल पर जाकर निर्णय किया जाएगा। अब देखना होगा कि विस्थापितों की सहमति के बाद क्या प्रशासन कोल परिवहन को फिर से शुरू करा पाएगा। काफी सारे डिमांड को हमने फुलफिल कर दिया। उन्होंने ये कहा था हमको कि साहब कम से कम 40% डिमांड हमारा फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग उठ जाएंगे। अब 40% के बजाय हम लोग 50% से ज्यादा डिमांड हम लोग फुलफिल कर चुके हैं। अब जब 40% अधिक डिमांड हम फुलफिल कर दिए तो उनको कोई गुंजाइश नहीं बचा कि वो क्या बोले। अब तो फिर वो आने से कतराना शुरू कर दिए। अपन जिसे बुलाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं, बात करो भाई, तो वो वहाँ पे जो आप लोग प्रदर्शन में कई दिन बैठे थे, अभी बताएंगे छोटा है कितने दिन थे वहाँ। कहीं कहीं से हम लोगों का काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और मान लीजिए कंपनी का जो भी छोटा छोटा 4-5 लोग बना के अपना जाँच प्रशासन करवाता हो गया। हमारा काम पूरा हो गया है। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि बाहरी वो लोग आके धरने पे बैठे हैं, अपना काम निपटाते हैं और लोग उनका काम हो जाता है, चले जाते हैं, फिर धरना खोल देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।